तो कल मैंने देखा फ्रेंड्स रियूनियन, क्या ओवरवेलमिंग एपिसोड था, स्पेशली स्टार्टिंग के 10 मिनट्स जब सारे एक्टर्स एक एक करके सेट पे वापस आ रहे होते हैं। भाई मेरे लिए तो बहुत इमोशनल मोमेंट था। मुझे लगता है मेरे ओपिनियन में, मेरे हम्बल ओपिनियन में भाई फ्रेंड्स बेस्ट शो है। भाई कैरेक्टर सारे यूनिक है, कोई एक कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका बॉडी लैंग्वेज, कॉमिक टाइमिंग और चैंडलर के सरकाज़म, भाई ओहो भाई अमेजिंग है। वैसे तो फ्रेंड्स में मेरे बहुत सारे फेवरेट एपिसोड्स हैं, बट एक जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है वो है जब रॉस फीबी को समझा रहा होता है कि भाई एवोल्यूशन रियल है, और फीबी उसे ही उल्टा कन्विंस कर लेती है कि भाई क्या पता ये सच ना हो। तो भाई वो वाला एपिसोड तो भाई ऑसम था। इसके अलावा उनांगी वाला एपिसोड भाई अमेजिंग था, अमेजिंग। मुझे लगता है कि फ्रेंड्स रियूनियन देखने का एक्सपीरियंस ओवरवेलमिंग इसीलिए था क्योंकि ये टच करता है उस एसेंस को जो हमें ह्यूमन बनाता है, कि हम इतना स्ट्रॉन्ग और इमोशनल गुड और बैड फील करते हैं नॉस्टैल्जिया के बारे में। नॉस्टैल्जिया दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, नॉस्टोस जिसका मतलब है टू रिटर्न होम, एंड एल्गोस मीनिंग पेन, टू एक फॉर होम। जब हम नॉस्टैल्जिक फील करते हैं तो हम टाइम में बहुत पीछे चले जाते हैं और अपने ऑथेंटिक सेल्फ को डिस्कवर करते हैं, वो सेल्फ जो शायद यंग था, खुश था और हेल्थी भी था। तो इसके बारे में सोच के अच्छा लगता है, बट एट द सेम टाइम ये फैक्ट कि ये टाइम जा चुका है, वापस नहीं आएगा, तो ये सैड भी कर देता है। जब फ्रेंड्स सबसे पहली बार एयर हुआ 1993 में, तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, और 2003 में जब वो ख़त्म हुआ तब तो मैं बहुत ही छोटा था। पर अब जब 17 साल बाद रियूनियन हुआ तो ये इस शो की लेगेसी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है कि ये अपने टाइम पे कितना ज़्यादा पॉपुलर था जब हम छोटे थे। तो फ्रेंड्स उस टाइम को रिफ्लेक्ट करता है जब ये कैरेक्टर्स भी बहुत यंग थे, फ्री थे और प्रोबेबली अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम जी रहे थे। नॉस्टैल्जिया एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फीलिंग है, बट क्या इसका कोई साइकोलॉजिकल पर्पस भी है? बिल्कुल। ये हेल्प करता है लोगों को डील करने में स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ। किसी भी तरीके का चेंज, गुड या बैड, स्ट्रेसफुल हो सकता है, तो नॉस्टैल्जिया हेल्प करता है कि हमें ट्रैक कर सकें कि क्या चीज़ स्टेबल है, जिससे हमें एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी मिलता है और हम और ज़्यादा ग्राउंडेड फील करते हैं। नॉस्टैल्जिया नेगेटिव इमोशंस को भी काउंटर करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल लोनलीनेस, जो कि सैडनेस के साथ भी एसोसिएट किया जा सकता है। हम सबको अपने घर से बाहर जाना पड़ता है, एज अ स्टूडेंट, जॉब करते हुए, कंट्री को सर्व करते हुए, तो लोनली फील करना ऐसे में नेचुरल है। तो ऐसे में नॉस्टैल्जिक फील करना भी नेचुरल है, क्योंकि ये लोगों के साथ हमारा सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। सो फिर मेमोरीज में ही हम लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। नॉस्टैल्जिया हेल्दी बिहेवियर को भी इनकरेज करता है। चाइल्डहुड स्पेशली, चाइल्डहुड लाइफ का वो टाइम होता है जब हम सबसे ज़्यादा हेल्थीएस्ट होते हैं। वो सारी चीज़ें जो हम बचपन में किया करते थे उन्हें याद करके हम हैप्पी इमोशंस को जनरेट करते हैं। हैप्पी इमोशंस जैसे कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी या सेंस ऑफ बीइंग लव्ड। बट क्या हो अगर पास्ट प्लेजेंट ना हो? तो सबका पास्ट या सबका चाइल्डहुड हैप्पी हो ज़रूरी थोड़ी है। ऐसे में नॉस्टैल्जिया फिर एक डबल साइडेड सोर्ड की तरह काम करता है, बट नॉस्टैल्जिया को हैप्पी वे में यूज़ कर सकते हैं। ये एक एंकर की तरह काम कर सकता है जो कि पास्ट में फिक्स तो कर दे किसी इंसान को, लेकिन वो तब भी सोचे कि आगे कैसे बढ़ना है किसी नए सिचुएशन में, किसी भी तरीके का एक्सट्रीम, जैसे कोई नया कल्चर या कोई नया जॉब या नए पेरेंट बनना। नॉस्टैल्जिया थोड़ा सा इमोशनल टाइम प्रोवाइड करता है क्योंकि ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तुम सोचते हो कि तुम ये कर सकते हो और अपने फ्यूचर में फिर आगे बढ़ जाते हो। तो प्रेजेंट जो है वो केओटिक है, फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, लेकिन पास्ट ही एक ऐसा है जिसकी इमेज होल है और हम उसको रिटेन करके रखना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। फ्रेंड्स रियूनियन देख के मैं थोड़ा सैड भी हुआ क्योंकि ये रियलाइज़ हुआ कि हम टाइम में आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो टाइम पीछे चला जा रहा है वो कभी वापस ही नहीं आएगा। हम मॉर्टल हैं, हम चाहते हैं कि जो अच्छा टाइम है वो फ्रीज हो जाए, लेकिन तभी एक रियलिटी चेक मिलता है कि टाइम भाई किसी के लिए नहीं रुकेगा। ये कैरेक्टर्स जिनको हम हमेशा यंग देखते हुए आए हैं, भाई वो सब बूढ़े हो चुके हैं। तो मेरे लिए तो ये एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग था।
जहाँ पे मैं खुश तो था इनको इतने टाइम के बाद साथ में देखते हुए, बट सैड भी था ये देखते हुए कि भाई कितना टाइम जा चुका है, लेकिन मुझे तब भी अच्छा लग रहा था, मतलब मुझे सैड होते हुए भी अच्छा लग रहा था। तुम्हें कैसा लगा फ्रेंड्स यूनियन, कमेंट करके बताओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम फ्रेंड्स के सबसे बड़े फैन हो तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो द मोमोस्टे को।